पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक, पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक। देखिए मेरे साथ fastbite.tv। पूर्व मंत्री वे बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी और परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कस चुका है। 26 विभागों से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए याकूब कुरैशी से कहा गया है, लेकिन जिस अवैध तरीके से चोरी छिपे फैक्ट्री में मीट पैकेजिंग का कार्य हो रहा था, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि याकूब कुरैशी व उसके परिवार के लिए दस्तावेज दिखा पाना बेहद मुश्किल भरा होगा। जो विभाग अभी तक याकूब कुरैशी के हाथों पाले पोसे जा रहे थे, उनके अधिकारी अब अपनी गर्दन बचाने की जुगत में हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए का मीट बिना विभागीय संरक्षण के लिए वहां आया हो, इस सवाल की भी पड़ताल अपेक्षित है। इस बीच आज अल फयूम फैक्ट्री परिसर में प्रशासन की JCB पहुंच गई है। ये परिसर में गहरा गड्ढा खोदकर 5 करोड़ रुपए मूल्य के बताए जा रहे मीट को दफन करने का कार्य करेगी। जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा है कि जन स्वास्थ्य को हानि की आशंका देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। उधर पूर्व मंत्री याकूब, उनकी पत्नी समजेदा बेगम और दोनों बेटे इमरान कुरैशी व फिरोज फरार हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश जारी है। आइए पहले दिखाते हैं आपको हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री का नजारा। आज जिलाधिकारी के बालाजी ने मीडिया को यह जानकारी दी। जो इन्वेस्टिगेशन का एग्जैक्ट डिटेल्स है वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको पुलिस विभाग से मिल जाएगा, और जहाँ क्योंकि ये जो पाया गया है वहाँ वो सब पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसको हमें शीघ्र निस्तारण भी कराना पड़ेगा। तो इसके लिए सक्षम न्यायालय से अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देश भी प्राप्त किया गया है, और संबंधित विभाग द्वारा इसको निस्तारण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब फिलहाल जैसे पहले भी बताया गया, पुलिस अपना विवेचना कर रही है, यदि कोई ऐसे सबूत उनको मिलेगी तो उसके हिसाब से वो अपना धाराएं बढ़ाएंगे और आगे की कार्रवाई धाराओं के तहत भी होगी। ये सारा जो भी पेरिशेबल कमोडिटी है सबको नष्ट करने का कार्रवाई संबंधित न्यायालय से निर्देश प्राप्त कर की जाएगी। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।